Hi, these are some idioms with animals. Cat nap का मतलब है a short sleep, छोटा सा sleep, that is cat nap. Flew the coop का मतलब है escape करना, left करना, जाना वहां से. Get someone's goat का मतलब है to irritate someone deeply, किसी को irritate करना. Fat cat का मतलब है a highly placed, well paid executive है. Corporates में अक्सर होता है fat cat. Like a fish out of water, इसका मतलब है uncomfortable होना किसी particular situation में. जैसे fish पानी से बाहर आते ही uncomfortable है, तो like a fish out of water. Hold your horses, wait and be patient, quick judgment is wrong. Hold your horses. कैश काउ है अ गुड वे टू मेक मनी. कंपनीज के सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी कैश काउ होती है. जैसे गवर्नमेंट है उसको ऑयल पेट्रोल डीजल इससे बहुत इजीली मनी रेवेन्यू जनरेट होता है. अ गुड वे टू मेक मनी. गेट द लायंस शेयर का मतलब है गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज, सबसे बड़ा परसेंटेज यहाँ पे लेना. गेट द लायंस शेयर. लोडेड फॉर बियर का मतलब है प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स, well prepared for a challenge, you are prepared for that thing, so that is loaded for bear. अब ये कुछ vocabulary words हैं, synonyms हैं with this letter P. painstaking का मतलब है बहुत meticulous काम है, precise है, fastidious है वो, painstaking work. passive का मतलब है compliant है, submissive है वो. past मतलब former, previous, preceding, पहले हो चुका है ये. पेशेंस मतलब टॉलरेंस होता है. पिक्यूलियर है, वियर्ड है, बिजार है. परफेक्ट का मतलब है वो फ्लॉलेस है, एक्यूरेट है वो. परमानेंट का मतलब होता है एंड्यूरिंग या फिर लास्टिंग. परपैचुअल मशीन, परपैचुअल प्रिंसिपल्स, इटर्नल, एंडलेस. परसुएड का मतलब कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना. प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, रीजनेबल, लॉजिकल, दैट इज दिस प्लॉजिबल. प्लेंटीफुल का मतलब है एम्पल, इनफ, एबंडेंट, दैट इज प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल फूड है, प्लेंटीफुल स्टॉक्स हैं. प्लायबल का मतलब है सपल, फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लायंट. प्लायबल है वहां पे सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, सपल फ्लेक्सिबल है वो. प्लायबल अप्रोच है, कॉम्प्लायंट है वर्क. पोलाइट का मतलब ग्रेशियस, रिफाइंड, कॉर्टियस होता है. पुअर का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, नीडी, इम्पोवराइज्ड. पोर्शन मीन्स होता है पार्ट, सेगमेंट, पीस, पोर्शन ऑफ दिस फूड. पॉसिबल मीन्स कंसीवेबल है, फीजिबल है, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. प्रिकैरियस सिचुएशन है मतलब डेंजरस है, अनसर्टेन है. LSE में अभी प्रिकैरियस सिचुएशन है. Then this is precious. Precious मतलब that is this cherished, valuable, prized चीज है वो, precious है. Prejudiced का मतलब है वो biased है, opinionated है, influenced है वो, prejudiced है. Prejudiced thought process is not right. Premature मतलब early, hasty, premature decision, premature talks. Premeditated means planned होता है, intended होता है, calculated होता है. जैसे चाइना का जो aggression है LSE में वो premeditated action था. प्रिजर्व मतलब अपहोल्ड, गार्ड या फिर सेव करना. प्रेटी का मतलब है लवली, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव. प्रीवेलेंट है मतलब कस्टमरी है, वाइड स्प्रेड है उस जगह पे. प्रिवेंट का मतलब थ्वार्ट करना, हिंडर करना. यू आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट कर रहे हैं. प्रोबेबल मतलब वो लाइकली होता है, एप्ट है, लायबल है, प्रोबेबल थिंग. प्रोफिशियंट है मतलब स्किल्ड है, प्रोफिशियंट इन सर्टेन लैंग्वेज, स्किल्ड, एडेप्ट, कॉम्पिटेंट. इंग्लिश में प्रोफिशियंसी इज रिक्वायर्ड. प्रॉफिट का मतलब गेन, अर्निंग. प्रोहिबिट करना मतलब फॉरबिड, कोई काम करने से रोकना, बार, रिस्ट्रिक्ट. प्रोमिनेंट का मतलब है डिस्टिंग्विश्ड है, एमिनेंट है. प्रॉम्प्ट का मतलब पंक्चुअल होता है, टाइमली होता है. प्रॉस्परस का मतलब है थ्राइविंग, सक्सेसफुल या फिर वो फ्लरिश हो रहा है, दैट इज दिस प्रॉस्परस बिजनेस. Proud means arrogant or elated. Push का मतलब है शोव या फिर propel करना, push करना. I'm pushing you to write answers every day. Push कर रहा हूँ कि आप English improve करें, ये काफी rewarding होगा आपके लिए. So these are some synonyms with this letter P. Guide. This is also very important to understand. Sometimes you have to let go of the life you thought you wanted
इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर द लाइफ यू आर ट्रूली मेंट फॉर. जब कुछ चीज हटेगा तभी तो नया चीज आएगा. द थिंग्स स्टैंडिंग इन योर वे माइट बी देयर टू स्टीयर इन यू अनदर डायरेक्शन, सम अदर डायरेक्शन. द डिसअपॉइंटमेंट्स माइट बी देयर टू गाइड यू टूवर्ड्स ट्राइंग समथिंग न्यू. ऑलवेज एक्सप्लोर, बी मोर, ट्राई. ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा. The wonderful surprises might be there to show you something you are meant to have. More of, it is possible you lost something. It is also possible you get something even better. When life takes you in an unexpected direction, trust that it is taking you closer to where you are meant to be. Explore, be more. So today is 1st of November 2020, set number 65, 5 minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.